Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. Welcome, welcome. So Jugni मेरे पीछे आराम से बैठी हुई हैं. So सबसे पहली चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, so don't forget to subscribe and hit the bell icon, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके. साथ ही साथ, अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं, वेरी वेरी इफेक्टिव एंड गुड रिजल्ट्स वाले रेमेडीज जानना चाहते हैं, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक. सो वहाँ पर मैं नो रेमेडीज़ भी पोस्ट करती हूँ, सो वो भी आप चेक कर सकते हो. एंड उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर कर लीजिएगा. ब्लॉग्स लिख रही हूँ क्रिस्टल्स के ऊपर, जोडियक साइंस के ऊपर, चेक कर लिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, सपोर्ट दे दिया करो, इट मीन्स अ लॉट टू मी. ठीक है, सो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग से वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स. क्या कहते हैं जोडियक साइंस, एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड या वन मोर थिंग मैं बताना भूलूंगी आज, यू नो, इफ पॉसिबल फॉर सो मैं विद टैरो रीडिंग या टी लीफ रीडिंग भी करूँगी. आई विल बी पुलिंग आउट सम कार्ड्स फ्रॉम दिस 200 कार्ड्स. इसमें 200 कार्ड्स है डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज एंड सिचुएशन के. सो मैं इसमें से भी कार्ड्स पुल आउट करूँगी. इट्स गोइंग टू बी लिटिल मोर एक्साइटिंग. सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो एरीज, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग से. क्या मैसेजेस आ रहे हैं भाई, आने वाले वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं. ओके, कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज, अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करती हूँ, तो कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना कि थोड़ा सा लोनली फील कर सकते हैं, या आपके ओपिनियंस दूसरों से मैच नहीं कर रहे हैं, थोड़े से फैमिली आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के साथ में थोड़े से डिस्टर्बेंस हो सकते हैं. तो मैं कहूँगी इन सिचुएशंस में जितना हो सके थोड़ा काम डाउन रहेगा, बिकॉज ये वीक में आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार जितनी मर्जी कोशिश कर लो, सामने वाला समझने को राज़ी नहीं है. तो इस वजह से ना थोड़े से डिस्टर्बेंस आपको फील हो सकता है. सो इट्स बेटर कि अगर आपको लगता है आपको आपका ओपिनियन जिस पर्सन से मैच नहीं हो रहा, उनसे थोड़ा सा दूर रहें, डिस्टेंस बना के रखें, सो वो अच्छा माना जाएगा फॉर दिस वीक में. मतलब बहुत ज़्यादा फाइट्स या आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़ो दिस वीक में, कोई यूज़ नहीं है. वो फिर चीज़ बढ़ेगी, फिर और तनाव आएगा. इससे अच्छा थोड़ा टाइम बात मत करो. एंड आगे देखो, अगर मैं फाइनेंसिस की बात करती हूँ, सो यहाँ पे मुझे फाइनेंसिस में करियर वाइज में आपके ग्रोथ आती हुई दिख रही है, बेटरमेंट दिख रहा है, बट ये स्टेबल है. ये स्टेबिलिटी का कार्ड माना जाता है. यहाँ पे जो आप चीज़ों के लिए हार्डवर्क कर रहे हो, मेहनत करो, आपको मिलेगी, बट एक सिस्टमेटिक टाइम से मिलेगी. कोई ऐसा अचानक से कोई चमत्कार नहीं होगा. एक स्टेबल डेडिकेशन बना के रखो, फ्लो आपका नॉर्मल वीक में अच्छा चलेगा, एंड गुड एनर्जीज उसमें देखेंगे. अब इसमें से हम देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है. इसके कार्ड ना ऐसे ही निकलते हैं, मैं हर राशि में तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बट यू नो लेट्स सी जेमिनीज के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. तो हम उसमें से अंदर ही पाउच के अंदर ही शफल करके कार्ड्स निकालते हैं. यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. भाई कुछ तो आप एरीज लाइफ में जो भी गोल टारगेट कर रहे हो, जो भी निशाना लगा रहे हो ना, दूरदर्शी, भाई हम यहाँ निशाना लगाएंगे हमारा, चाहे 5 साल बाद रिजल्ट मिले, भाई हमें जाना तो वहीं है. बहुत सही कर रहे हो, आगे बढ़ते जाओ, अच्छा दिख रहा है. आगे आपके लिए मैसेजेस आए हैं. कहीं ना कहीं देखो, ये जो मैं लॉस की बात करी थी ना, चाहे वो इमोशनल हो गया, कोई फाइनेंसिस की भी परेशानी हो सकती है. तो यहाँ पे लिख क्या रहा है कि कोई ना कोई आपका कोई चीज़ का आपको दुख है, कोई चीज़ आपने खोई है, कोई चीज़ आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं हो रही, उसका भी दुख आपके मन में चल रहा है. तो यहाँ पे जो टी लीफ रीडिंग आ रही है, वो भी सिमिलर टू टैरो कार्ड्स एनर्जी आ रही है. इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, गोल्ड फिश के कार्ड्स हैं, विच इंडिकेट्स आपकी लाइफ में ये वीक में जनरली ब्लेसिंग्स के दो कार्ड ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को. तो एक बहुत अच्छी रीडिंग मेरे को दिखी है कि यू नो गोल्ड फिश हमेशा इंडिकेट करती है फेंगशुई और स्पिरिचुअलिटी, जहाँ पर हम कहते हैं कि जो भी आप अपनी लाइफ में यू नो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, अच्छी चीज़ें प्लान कर रहे हो, वो ज़रूर आपकी लाइफ में वो विशेज फुलफिल होंगी, आगे बढ़ते रहो, अच्छे दिख रहे हैं. रेनबो बहुत अच्छा कार्ड है. द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर. रेनबो कार्ड्स बहुत अच्छी एनर्जीज इंडिकेट कर रहे हैं. एंड कहीं ना कहीं आपको अगेन कहा जा रहा है, देखो यहाँ पर भी ना सेम एनर्जीज. ये फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ
पेंटिकल्स का जो कार्ड है ना, कह रहा है देखो यहाँ पे भी ना बेयर बना हुआ है, वो गुस्से में उसके से दांत निकले हुए हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं देखो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़ना, वो और गुस्सा और बढ़ेगा, फिर और एग्रेशन बढ़ेगा, फिर आपको भी गुस्सा आएगा, उन्होंने ऐसे क्यों बोला वैसे क्यों बोला और हो जाएगा। देखो मुझे मोस्ट प्रॉब्ली फाइनेंसिस में ये भी आपका अच्छा होता हुआ दिख रहा है, पर्सनल लाइफ में या आपके इमोशनल लाइफ में कहूँगी भाई, अगर लग रहा है किसी एक इंसान से पंगे चल रहे हैं तो उससे दूर है, बिकॉज उससे मुझे रिकवरी होते हुए इस वीक में नहीं दिख रही है। इन रिलेशनशिप में उसको उसको टाइम लगेगा, बट रेस्ट ऑफ द कार्ड्स आर वेरी वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स योर वर्क, एजुकेशन, डेडिकेशन में नो कार्ड्स बहुत अच्छे इंडिकेशन आपको दे रहे हैं। एरीज मैं कहूँगी गो अहेड, मेरे को पॉजिटिविटी दिख रही है इन 5 कार्ड से भी, एंड आपके लिए इसमें एक रेनबो कार्ड बड़ा अच्छा कार्ड आया है। एंड यहाँ पर भी फाइनेंसिस की पोजीशन जो टैरो कार्ड्स में आई थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी। इमोशनल एंगल मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि नो लगेगा कि भाई हमें थोड़ा सा ना अकेला छोड़ दो, अपनी लाइफ खुद संभाल लेंगे, आप हमें इतना डिस्टर्ब मत करो, तो थोड़ा सा ना वो वाली फीलिंग मेरे को दिख रही है एरीज। सो ये कुछ एनर्जीज दिख रही है मुझे इस वीक में। भाई ये वीक में कहूँगी, ऑनेस्टली कहूँगी ना भाई, अगर आपका कोई गोल, कोई काम पे फोकस है, कोई जॉब के लिए देख रहे हो, सबके लिए ऐसा है। फाइनेंसिस में मेरे को किसी ना किसी रूप में आपका वीक निकलता हुआ पॉजिटिवली हेल्प आती हुई अच्छी एनर्जीज दिख रही है, नथिंग टू वरी। सिर्फ कहीं ना कहीं इमोशनली में थोड़ी सी आपको यू नो खुद को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, विल पावर बना के रखनी होगी, ये मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। यस आई होप इससे कनेक्ट हो पाए एरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कमेंट बॉक्स में बताना कैसे लगे सारे कार्ड्स। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो टॉरस, कैसे हो आप सब लोग? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग से भाई, कैसा रहेगा आने वाला वीक। ओके सी इमोशनली सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। इमोशनली आपको थोड़ा सा यू नो कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा इस वीक में टॉरस, एंड इफ़ पॉसिबल अगर आपको लगता है कि भाई आपके पहले हाथ बढ़ा लेने से सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, सामने वाले का ईगो थोड़ा शांत हो जाएगा इस बार में, तो कोई बात नहीं, कोशिश कर लेना, हद से ज़्यादा मत करो, बट एक लिमिट तक यू कैन ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज़। या अगर कोई वो अपनी शर्त मनवाना चाहते हैं, अपने हिसाब से करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, इस वीक में आपको सजेशन है कि कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड विल बी हेल्पफुल आपके लिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है। रेस्ट उसके अलावा अगर कोई पास्ट में इश्यूज प्रॉब्लम्स रहे या छोटी मोटी बात पे लड़ाई हुई, तो इस वीक में मेरे को हार्मनी हीलिंग आती हुई दिख रही है, अच्छे कार्ड्स हैं। फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स हैं, द 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। जॉब के लिए अगर देख रहे हो, कोई अपना काम बनाना चाहते हो, कोई बिजनेस के लिए देख रहे हो, या इन जनरल कोई किसी का इस वीक में, किसी का आपकी फैमिली में बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई फंक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स एंड फैमिली में गेट टुगेदर के योग भी बने हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ साथ यू नो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं हमारे, इसके भी मैसेजेस मैं देख लेती हूँ। तो इसमें हम कार्ड्स आपके लिए पुल कर लेते हैं टॉरस, टॉरस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, मैं सारे देख लूं पहले। कहीं ना कहीं आपके लिए कहा जा रहा है कि भैया आप रास्ते पे चलते जाओ, सक्सेस आपके उस पर इंतज़ार कर रही है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा एक कार्ड आया जो थोड़ी मिस्ट्री बता रहा है। पहली चीज़ से स्टार्ट कर लेते हैं, बड़े अच्छे कार्ड आए, ध्यान से सुनना। ये की कार्ड आया जो आपको कह रहा है कि देखो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं थ्रू टाइम उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, चिंता मत करो, एक अच्छा आउटकम निकल के आएगा आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सो इट्स वेरी वेरी गुड एनर्जी। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्डवर्क, भी मेहनत करते जाओ। ये देखो यहाँ पे ना अंडा पड़ा हुआ है ऐसी इमेज है, कार्ड का नाम है एग। वाई इज दैट? बिकॉज कहते हैं ना कि आपने कोई बीज बोया है, आप उसको बड़ा संभाल के रखा हुआ, उसका काम चलेगा, उसका रिजल्ट कैसा आएगा, इसलिए आपको कह रहे हैं भाई। ये सिंबलाइज करता है आपकी सक्सेस अश्योर्ड है, जिस भी चीज़ में आप काम कर रहे हो ना, जो भी चीज़ के लिए आप नया जॉब ले रहे हो, जो भी सोच रहे हो, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, बेफिक्री होके आगे बढ़ो। एंड यहाँ पे आपके लिए कैमल के कार्ड्स हैं। अगेन कैमल आपको इंडिकेट करता है कि भैया ग्रोथ आपको लग सकता है आपकी बड़ी स्लो हो रही है, बड़ा मेहनत हो रहा है आपसे, दूसरों से ज़्यादा लोग आपसे मेहनत और हार्डवर्क करा रहे हैं, बट उतना आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो कार्ड आपको कह रहे हैं कोई बात नहीं, मिलेगा।
यहाँ पे आपको कार्ड्स कह रहे हैं, देखो चलते जाओ, यहाँ पे ना रास्ता बना हुआ है, रास्ते में ना यहाँ पे मनी ऐसे रखे हुए हैं। सो दिस कार्ड इंडिकेट्स कि आप जो भी पाथ पे चल रहे हो उस पे बिना सोचे समझे आप इन्हों अपनी मेहनत करते चले जाओ, बस आपको आगे उसका बेनिफिट इनकम ज़रूर मिलेगी। और आप अपनी मेहनत से या लंबा रास्ता देख कर या लंबी जर्नी देख कर आपकी ज़िंदगी की, भाई उसको तो अभी 5 साल हैं, पता नहीं मेरा पढ़ाई कब होगी या जॉब कब मिलेगा, चलो जॉब मिल गया है तो चलो ये प्रमोशन को इतना टाइम है, या वॉट एवर बिग गोल्स यू हैव, उन बिग गोल्स को सोच कर आप इन्हों रुक मत जाओ, बिकॉज कार्ड्स आपको कह रहे दैट इन्हों कहते हैं ना, इस जगह से उस पार आपके लिए बहुत सारा पैसा इंतज़ार कर रहा है कि आओ और मुझे लेकर जाओ। ये मैं नहीं, कार्ड जैसा कह रहे हैं आपको, सो नो हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यू कैन अर्न गुड मनी टॉरस, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए एंड यू विल डू ग्रेट। एंड कॉन्फिडेंस रखने के लिए कहा जा रहा है टू थिंक पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो हमारे लिए कार्ड आता है ना इमोशंस को लेकर, सो यहाँ पर लिखा है कि नो कहीं ना कहीं आपको ये फील हो सकता है कि नो यू आर फीलिंग एम्प्टी, या लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, और देयर सम मिसअंडरस्टैंडिंग। इसलिए कार्ड आपको कह रहे हैं अगर आपकी ज़िंदगी में से कोई लड़ाई हो रही है, कोई आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, आप उसे रोकना चाहते हो, सो डेफिनेटली उस वक्त में उनको शांत करने के लिए आप उनको कहते हैं ना कि हम कहते हैं ना आपको थोड़ा सा एक मैं ऑफ़र दे देता हूँ, या चलो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, चलो ऐसे नहीं तो ऐसे सही, बट रुको तो सही। तो सम वेयर टू स्टॉप समवन इन योर लाइफ, या कोई झगड़े को शांत करने के लिए आप एक कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रख सकते हैं टॉरस इन दिस वीक, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। बट वैसे ऑनेस्टली और ये दोनों कार्ड्स भी हैं पेंटिकल्स के, विच इंडिकेट्स यू नो मनी। सो टॉरस मनी मनी एनर्जी ये वीक में मुझे आपके लिए अच्छी लग रही है, फाइनेंसिस मनी एजुकेशन डेडिकेशन काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं जो इंडिकेट करें कि टॉरस अपने काम पैसे पे ध्यान दो इस वीक में, मनी वाइज अच्छी प्रोग्रेस ग्रोथ या काम बनते हुए दिख रहे हैं, सो गुड एनर्जीज दिख रही हैं। सो ये कुछ आपके लिए मैसेजेस थे टॉरस, आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं, इफ सो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज, देख लीजिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक। सो कहीं ना कहीं इमोशनली आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी बनी हुई दिखती है, चाहे नो आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, एक हीलिंग रिकवरी की एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं मैं कहूँगी एक तरीके से आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो खुशी दिख रही है जेमिनीज की नो, कि आप जैसे भी हो आप हैप्पी हो, चाहे आपकी लाइफ में वो पर्सन रहे ना रहे, चाहे आप सिंगल रहो चाहे आप रिलेशनशिप में रहो, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आपके मन में ज़रूर बनी हुई दिखती है। एंड दिस इंडिकेट्स अ लॉट ऑफ गुड लक एंड विश फुलफिलमेंट। अगर आपको किसी के ऊपर क्रश है एंड उनसे भी आपकी बातचीत अगर आगे अच्छी खासी बनती हुई दिख रही है, सो कार्ड्स आपको कह रहे हैं स्टे ऑप्टिमिस्टिक, लव लाइफ रोमांस लाइफ के मामले में लक इज़ ऑन योर साइड, तो ये वीक में कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। साथ ही साथ काम को लेकर, आपके इस इन चीज़ों को लेकर फॉर सम जेमिनीज कहीं ना कहीं को ट्रांजिशन आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर अगर आप अपनी इच्छा से कोई काम बदलना चाहते हो, सो वो काम बदलने के अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही हैं। इमेज थोड़ी ड्रामेटिक लग सकती है, डोंट वरी, दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि नो कि आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें, बहुत हेक्टिक रूटीन चल रही है, सो जितना हो सके नो अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट भी दें। एंड इमोशनली अगर डाउन फील कर रहे हो, बहुत हेक्टिक लग रहा है, बहुत ओवरलोड लग रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दो एंड देन ग्रेजुअली आप जो भी अपने काम में न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो वो करो, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो ये बस इंडिकेट करता है भाई थक बहुत हो गया, आप थक गए, अब हार गए, अब थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा चेंज चाहिए, सो वो टाइप की एनर्जीज आपको थोड़ी सी फील हो सकती है। सो इस वजह से नो ट्राई योर बेस्ट टू यू नो बैलेंस योगा मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी ज़रूर करें, उससे आपको काफ़ी बेहतर फील होगा। एंड साथ ही साथ में कहीं ना कहीं फॉर सम जेमिनीज माइट ऑल्सो एक्सपीरियंस ट्रैवल के योग भी बन सकते हैं, अगर अब्रॉड जाने की प्लानिंग करें तो उसमें भी आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। एंड साथ ही साथ मैं कहूँगी जो भी आपका टास्क है, वो जो भी आपको टफ लग रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है इमोशनली आपके काम में किसी भी रूप में, कहीं ना कहीं वहाँ पे वो चीज़ आपकी प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। आपको लगेगा कि नो ये जो मैं टारगेट रख रहा हूँ ये मेरे काम कंप्लीट हो रहे हैं, फाइनली पूरे हो गए हैं, इस तरीके की एनर्जीज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो मैं कहूँगी देखो मेहनत है, हार्डवर्क है ये वीक में, बट देखो अगर आपका बीच में एक कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव भी कह लो, फिर भी बगल में दो कार्ड पॉजिटिव है, तो कह रहे हैं भाई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है तो वो अपने आप चली जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है जेमिनीज। ऑल ओवर एनर्जीज मेरे को सपोर्टिव और अच्छी आपके लिए दिख रही है। हम और भी आपके लिए कार्ड्स पुल आउट कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे फ्लैग के कार्ड्स हैं, यहाँ पे कह रहे हैं जेमिनीज जो मर्जी हो जाए आपकी इमोशनल लाइफ में, करियर लाइफ में, आप अपना स्टेटस, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी भी रूप में नीचे ना आने दें। आप ये जाने समझे कि आप कौन हैं, क्या हैं, एंड किसी के कुछ कह देने से या किसी के कुछ नेगेटिव बोल देने से, सोच लेने से आप वो इंसान नहीं बन जाते। तो अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग रखें, एंड डोंट बीट, यहाँ पे लिखा है कि अपने स्टैंडर्ड्स लो मत करो, कीप अ हाई स्टैंडर्ड अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट हु यू आर। आप जो हो, जैसे हो, कुछ भी हो जाए, अपने आप को लो मत फील करने दो, यू नो, चाहे आपके पास जॉब है या नहीं है, चाहे आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है, नो मैटर व्हाट इट इज़, बट अपने आप को यू नो एक वो रखो, अपने आप को हाई पोजिशन पर रखो कि भाई हम किसी से कम नहीं हैं। वो मेंटालिटी ज़रूर रखो। जेमिनीज आपके लिए वीक में सजेस्टेड है। एंड ऑल्सो एनी टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स, पेपर वर्क बिल्कुल भी बिना देखे या अच्छे से रीड आउट किए जल्दबाजी में साइन मत कीजिएगा, वो आपको सजेस्टेड नहीं है। एंड अगर आपको लगता है कोई आपके लिए नेगेटिव इंटेंशंस रख रहा है, आपका काम बिगाड़ सकता है, या आपके बारे में बुरा भला पीठ पीछे कहता रहता है, सामने बड़ा स्वीट स्वीट बनता है, तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो, स्पेशली इन दिस वीक, या उनके कोई भी नेगेटिविटी बातों में आप बिल्कुल ध्यान ना दो। सो समवेयर, वेदर इट्स इन समवन इन योर फैमिली, कोई भी होने दो, नो, ट्राई योर बेस्ट जेमिनीज टू स्टे ऑप्टोमिस्टिक। एंड आई लव दिस कार्ड, यू नो, ये जो फ्लैग वाला कार्ड है ये बहुत अच्छा कार्ड है। यू नो यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं इंसान, क्योंकि ना आसपास इतना कुछ इंसान सुनता है, देखता है, अपने आप को खुद ही कंपेयर करता है, खुद ही क्रिटिसाइज करता है, इसलिए यहाँ पे आपके लिए कुछ इस तरीके के मैसेजेस हाईलाइट हो रहे हैं, यू नो, कि अपने स्टैंडर्ड्स लो मत करो, नो मैटर व्हाट इट इज़। तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए, आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ जेमिनीज। इफ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक। ओके, जो सबसे पहला कार्ड आया जस्टिस के कार्ड्स आए हैं, जो इंडिकेट करे दैट आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप्स में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपको ऐसा लग सकता है जैसे आपकी नो जो पॉइंट ऑफ व्यू आप कहना चाहते हो आपका दूसरों से मैच नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी अनबन बनी हुई है, या सामने वाला इंसान बहुत सही गलत पे चल रहा है, आपके जेन्युइन इमोशंस पे ध्यान नहीं दे रहा है, आपके शब्दों पे कुछ हम कभी गुस्से में आकर कुछ कह देते हैं फिर वो उस बात को पकड़ के बैठे हुए हैं, या ये आपके साथ भी हो सकता है, शायद से आप किसी की बात से बड़ा दुखी हो ना, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, आप सही गलत हुए पड़े हो कि बस अब और इससे ज़्यादा हम नहीं सहन कर सकते हैं, ये एक लिमिट है एंड हमें अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, जो चीज़ सही है वो सही है, जो गलत है भाई गलत है। तो इस तरीके की एनर्जीज कहीं ना कहीं मेरे को होती हुई दिखती है, एंड मैं कहूँगी दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस के कार्ड है, किसी एक ही इंसान के रिलेशनशिप एफर्ट डालने से, सहने से रिश्ते नहीं चलते, दोनों पार्टीज़ को इक्वल एफर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग रखनी ही पड़ती है, तब जाके रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं स्टेबल हो पाते हैं। सो लव लाइफ एनर्जीज में मैं कहूँगी ये वीक में यू नो अगर आपको लगता है कि आपको आपका जो पॉइंट है, जो स्टैंड है, वो यू नो ज़रूर आपको कहना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए सामने वाले को, भले वो उसको एग्री करे, माने ना माने, बट स्टिल वो एक एनर्जी दिख रही कि आप ये वीक में काफ़ी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग तरीके से सिचुएशन को हैंडल करोगे। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ, सो आगे यहाँ पर जो आपके लिए नो एनर्जीज दिख रही हैं, दिस इज़ फॉर यू नो मनी एंड अबंडेंस के लिए, ये वीक में कहीं ना कहीं आपके काम को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है वाया समवन, जैसे कोई आके आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है, आपका कोई फ्रेंड वाया, या कोई आपकी हेल्प कर सकता है, आपको कोई सपोर्ट दे सकता है किसी ना किसी रूप में एक आपके लिए हेल्प आती हुई दिख रही है। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज का प्लान कर रहे हो, कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं, सो ये वीक में उनमें काम में बढ़ोतरी आ सकती है, आपका वो गोल काफ़ी आपको करीब लग सकता है अचीव करने में। सो ऑल ओवर एनर्जीज वर्क वाइज काफ़ी स्मूथ, स्टेबल, नॉर्मल जो आपकी रूटीन रहती है वैसी चलेगी, कोई बहुत मेरे को प्रॉब्लम्स आती हुई नहीं दिख रही है वर्क लाइफ काम के एंगल में, बट यस कहीं ना कहीं इमोशनल एंगल में मेरे को कुछ एनर्जीज दिख रही है। आगे भी देख लेते हो और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। थोड़े से आपके भी मूड स्विंग्स हो सकते हैं कैंसर्स इन दिस वीक पे, कभी मूड बड़ा अच्छा, कभी मूड ख़राब, कभी आपका बात करने का मन करेगा, कभी नहीं। सो यहाँ पर ना इस वीक में डेफिनेटली ट्राई टू बी काम एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, मतलब कि आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला आप उसका शुक्राना करें,
कि चलो भाई ज़िंदगी में हमने जो चाहा वो नहीं मिला, कोई बात नहीं, बट जितना है उसमें तो हम खुश हैं। तो इस तरीके से ना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ज़रूर करें इन दिस वीक में, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। और भी देख लेती हूँ क्या मैसेजेस आ रहे हैं कैंसर्स के लिए। कीप योर लाइफ इन बैलेंस सबसे पहला कार्ड है। यू नो, चाहे आपके इमोशंस हो, चाहे आपका काम हो, चाहे ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो, यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं इस वीक में अपने बैलेंस बना के रखना। कहीं ना कहीं अगर आप देखो, ये बैलेंस का कार्ड और ये जस्टिस का कार्ड काफ़ी सिमिलर एनर्जीज है, विच यू नो यहाँ पे हम जैसे कि कहते हैं ना, यहाँ पे सेम सिम्बलिज्म है, यानी काफ़ी इतफाक की बात है। कैंसर्स विच इंडिकेट्स यू नो कि लाइफ में चाहे आपके रिश्ते हों या आप हो, आपको कहा जा रहा है कि भाई बैलेंस रखो। आप एक ही इंसान सब कुछ करता जा रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है चलो मैं इस बार कर देता हूँ, मैं इस बार जाने दो कर करके, आपको कहा जा रहा है कि देखो लाइफ में बैलेंस रखो। और आपको पता है कि भाई लाइफ में कहाँ आपकी आपकी ज़िंदगी में इम्बैलेंस हुआ पड़ा है, वहाँ पर आप स्टैंड लो अपना और यू नो ज़रूर एक तरीके से पपरे इधर भी आगे इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। अब मुझे कहना पड़ेगा, देखो कैंसर जितने भी मेरे वीडियोस देखे, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कोर्ट रिलेटेड मैटर है, एनीथिंग, कोई कैंसर डाइवोर्स से गुजर रहा है या कोई भी ऐसे सिनारियोज है, तो वो डाइवोर्स का केस आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है या कोई जजमेंट पास होनी है, तो उस तरीके से मेरे को एनर्जीज दिख रही हैं कि वो लॉ के मामले में जितना हो सकता है आप कहते हैं ना कि संभल संभल कर चलें, वो चीज़ सजेस्टेड है इन दिस वीक में। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में ना पड़िएगा, बट ऑलमोस्ट आई सी दी एनर्जीज ऑफ लॉ, या हम कह सकते हैं कि जिसमें हम ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए पड़े हैं, ज़्यादा सही गलत पे अब सोच रहे हैं। अब हम ये नहीं सोच रहे हैं ये इंसान हमारा कौन है, क्या है, हम तो बस इतना ही देख रहे हैं भाई क्या हमारे साथ सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, एंड उसी एनर्जी से हम चल रहे हैं। ये कुछ एनर्जीज आपके लिए मेरे को दिख रही है, तो बड़ा थोड़ा सीरियस वाइब तो है इमोशनल एंगल में, मेरे को थोड़ी सी सीरियस एनर्जीज तो दिख रही है कैंसर इस वीक में। अब आपको पता कितने लोग इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं, तो कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, इस वीक में कुछ ऐसी वाइब्स एंड एनर्जीज दिख रही हैं। नो, आई होप कैंसर आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।